दोस्तों मैं आकाश मंडल, आप देख रहे हैं न्यूज़मेकर सेल्फ यूनिक। गाइस एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, तुरंत सोचना आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी सैलरी क्या है। फ्रेंड्स मतलब वो फ्रेंड्स नहीं जिनसे 2-3 साल पहले बात की थी, फ्रेंड्स मतलब वो जो आपके साथ रेगुलर कनेक्ट में है, हफ्ते में 15 दिन में जरूर उनके साथ चाय होता है या फिर उनसे मुलाकात होती है, उनकी सैलरी क्या है। किसी की 12 होगी, किसी की 16 होगी, किसी की 15 होगी, किसी की 18 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 25 होगी, राइट। अब तुम बस इतना कैलकुलेट करके अगर मुझे बता देते हो कि किसकी कितनी सैलरी है तो मैं तुम्हारी सैलरी बता दूंगा। आप बोलोगे सर कैसे, मैं जादूगर थोड़ी हूं। नहीं, आपका जो रेंज है मींस आप अगर आपका जो फ्रेंड है, एक फ्रेंड 12 पा रहा है, एक फ्रेंड 25 पा रहा है, डेफिनेटली बिलीव करो तुम्हारा भी जो सैलरी है इसी के बीच में होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर आपका फ्रेंड का सैलरी 15,000 रुपए है तो आपकी सैलरी 75,000 हो ही नहीं सकती। और बोलते हो सर ये तो बहुत बड़ा आपने प्रूफ वो कर दिया कि तो कि 15,000 वाला और 75,000 वाला दोनों की फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। नहीं, बात वो जो दूसरे लगोटिया एयर होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, उनको अलग कर दो। मैं ऐसे लोगों की बात करो जिनके सराउंडिंग्स में आप रहते हो। अगर आप जॉब करते हो जिनके सराउंडिंग में रहते हो, आप पीजी में रहते हो जिनके सराउंडिंग्स में रहते हो, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो एकदम बचपन के फ्रेंड हैं वो अलग है, उनको मत कनेक्ट करो इसमें। तो गाइस हो क्या रहा है कि आप जिनके बीच में रह रहे हो उन्हीं के आसपास की सैलरी आपकी भी सैलरी है, 110% फैक्ट ही है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब किसी के साथ रहते हैं तो उसके जो विचारधाराएं मीन्स जो भी वो शेयर करता है, अपना नॉलेज शेयर करता है कि यार मैंने ये इंप्रूव किया या फिर मैं ये कर रहा हूं, तो तुमको समझ आता है कि हाँ यार ये करने से तो हमारी सैलरी बढ़ सकती है, करने से हमारा ये बेनिफिट हो सकता है, मींस उससे लर्निंग मिलती है। तो अगर आपके साथ 50,000 रुपए मंथली इनकम करने वाला लड़का अगर आपके साथ है, मींस अगर आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो या फिर कनेक्ट रहते हो, तो डेफिनेटली वो जिस तरीके से सोच रहा है, जिस तरीके से अपनी पॉलिसी बना रहा है कि ये करेंगे इसके बाद यहां से पैसे अर्न करेंगे, ये करेंगे, तो थोड़ा बहुत करते 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 वो सारा कुछ आपके अंदर भी आना लगेगा। इसका छोटा सा एग्जांपल लूंगा, बोर नहीं करूंगा आपको, बट स्टोरी अगर मेरी खुद की रहती है तो ज्यादा आपको समझ आएगा 110%। गाइस जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया तो मेरी सैलरी जो थी वो 12,000 रुपए थी। कितनी थी? 12,000 रुपए थी। और मैं पीजी में रहता था। कहाँ? पीजी में। सबको पता है जहाँ पे एक बेड मिलता है और वहाँ पे रन होता है, तो पीजी में रहता था। तो वहाँ पे देखा तो कुछ लड़कों की जो सैलरी थी, ठीक है, तब मैं आपको फैक्ट बता दूं कि तब मैं जनरल बोगी जो होती थी ट्रेन की उसमें मैं ट्रेवलिंग करता था। तो जब वहाँ पे मैं देखा तो कुछ लड़के ऐसे थे जिनकी सैलरी 18,000 थी, किसी की 22,000 रुपए थी। तो मैं जब उनको देखा तो वो लोग जो अपने घर पे जाते थे दिवाली या होली पे, तो वो लोग प्रॉपर एक टिकट बुक करते थे। हम तो सर्च करते थे कि जनरल टिकट किसी भी तरीके से मिल जाए किसी को, कुछ लोगों को बिलीव नहीं होगा बट ये सच है। तो हम क्या सर्च करते थे, किसी तरीके से जनरल बोगी में बैठ जाए दिवाली और होली के टाइम पे। तुमको पता होगा कि जनरल बोगी का हाल क्या होता है। हम ट्रेवल करते थे, बट हम जब उनको देखे कि ये लोग 18,000, 22,000, 20,000 की सैलरी ले रहे हैं, तो ये लोग प्रॉपर एक रिजर्वेशन करके जाते हैं, तो मेरे माइंड में आया कि यार कर क्या रहे हैं ये लोग। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। यू कांट बिलीव, जब मैं इनको फॉलो करना स्टार्ट किया ऑटोमेटिक मेरी जो सैलरी है, मुझे नहीं पता क्या यूनिवर्स ने किया, वो सैलरी 18,000 रुपये हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने देखा कुछ और लड़के जो, क्योंकि पीजी में हर तरह के लड़के होते हैं आप सबको पता है, तो कुछ और लड़कों को देखा जिनकी सैलरी थी 30,000, 35,000, 30,000, 35,000। मैं सोचता था यार ये 30-35 हो जाए सैलरी हो जाती तो कितना मजा आता होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब वो रिजर्वेशन करके अपने घर पे जाते थे होली और दिवाली पे, तो वो लोग प्रॉपर एसी का टिकट करके जाते थे। किसका? एसी का टिकट करके जाते थे। एसी तो हमारे लिए ड्रीम था, पता नहीं इस चीज़ को आप इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं। मैं तो उस अर्थ से आया हूँ तो मैं एक प्रॉपर इमेजिन करवा पा रहा हूँ, जो उससे आते होंगे वो समझ आ पा रहा हूँ। एसी टिकट हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो फिर मैंने सोचा यार ये 30,000 रुपये की सैलरी कैसे पा रहा है, क्योंकि 30 हमारे लिए बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। डेफिनेटली आज के टाइम में मेरे लिए 30,000 बहुत छोटा अमाउंट हो सकता है, बट उस टाइम पे ऐसा लगता था यार 30,000 की सैलरी पाता कैसे है। फिर जब हमने क्या किया, मैंने यही सीखा था कि जितने लोगों के कनेक्ट में आओगे उतना समझ पाओगे। तो जब मैंने देखा कि वो यार वो लोग सॉफ्टवेयर में प्रॉपर स्किल्स ऐड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को प्रॉपर अपडेट कर रहे हैं, मीन्स वो लोग डेली लर्निंग कर रहे हैं, जब उनके पीजी में जाता तो देखता कि कुछ नया सीख रहे हैं, तो मैं कहा कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने भी अपने आप को अपग्रेड किया, टेकला वगैरह सीखा। जब टेकला वगैरह सीखा, सीखने से याद आया कि एक स्टोरी के बीच में पहले आपको बता दूं, अगर सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में अभी आप नहीं आए हो स्किल्स सीखने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल के लिए मैंने वैसे तो सबको कॉल किया, अगर मैं मिस कर दिया, कुछ लोग मिस हो गए होंगे, सॉरी यार इसके लिए, क्योंकि बहुत कॉन्टैक्ट थे तो मैं सबको नहीं कर पाया होगा, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लेना। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लेना 9792621121 पे। क्यों? हो सकता है मैं भूल गया तो यार मिस आपका जो नॉलेज का जर्नी है वो
रुक ना जाए कहीं, इसलिए आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लेना। चलो अब बताते हैं कि जब मैंने उनको देखा कि वो डेली ऐड कर रहे हैं अपनी वैल्यू को, डेली ऐड कर रहे हैं, तो फिर मैं कहा मुझे भी सीखना पड़ेगा। तो मैंने टिकला सीखा, उसी समय पर मैंने थ्री डेस मैक्स सीखा, और जब मैंने सीखा तो फिर मेरी पुणे में जॉब लगी, और पहली जॉब मिली मुझे मिली 25,000 रुपये की। 18,000 पाने वाले को जब 25,000 मिलता है तो एक अलग फीलिंग आती है, और डेफिनेटली 25 के बाद मैं देखा तो मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि जो मेरे साथ लोग थे वो सारों की सैलरी जो थी 25-30 इसी के बीच में थी। तो फिर मैंने समझ गया कि कुछ तो और करना पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ी सी अपनी स्किल्स को बढ़ाई, और फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फ्रीलांसिंग करने लगा। तो वहाँ पर लोगों से मुलाकात होने लगी जिनकी सैलरी काफ़ी अच्छी रेंज में होती थी। यू कांट बिलीव, जब वो किया मैंने तो मेरी सैलरी 35,000 हो गई, और अब मैं उस टाइम पर इस लेवल पर हो चुका था कि चलो भाई अब तो एसी टिकट तो कुछ नहीं है, बीच बीच में हमने फ्लाइट भी लेना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद जैसे जर्नी बढ़ती गई, मैंने देखा कि लोगों के साथ जब मैं बढ़ना स्टार्ट हुआ, मीन्स जितने अच्छे लोगों के साथ जर्नी स्टार्ट किया, कुछ लड़के ऐसे थे जो कि आईटी के थे, उनके मतलब एक तो मेरे बहुत अच्छे रूम पार्टनर थे, शायद वो भी वीडियो देख रहे होंगे, राजन सर, तो उनको देखा तो उनकी जो सैलरी थी वो 10 लाख रुपीज़ पर एनम थी, मतलब 10 लाख का पैकेज था, और हम तो 30-35,000 रुपये की सैलरी पाने वाले, 10 लाख पर एनम मेरा रूममेट। अब हमारे लिए तो खलबली मच गई कि यार ये करता क्या है जो इसकी इतनी सैलरी है। तो मैंने देखा कि वो हर रोज़ छः घंटे सात घंटे रात को 2-2 बजे तक न्यू स्किल्स को सीखते थे। इसकी वजह से अभी अगर मैं उनकी करेंट पैकेज आपको बता दूँ, शायद वो देखेंगे तो मतलब मुझे व्हाट्सएप पे डांटेंगे, मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। तो उनकी सैलरी से 32 लाख उनका पैकेज है, कितने का 32 लाख का पैकेज है, क्योंकि वो डेली स्किल्स को ऐड कर रहे हैं। तो मतलब मेरा कहना ये है कि जब मैं उनकी कनेक्टिविटी में आया तो मुझे समझ आया कि स्किल्स के बिना कुछ नहीं होगा। मैं और अपग्रेड करता गया और धीरे धीरे मेरी जो सैलरी हुई 60,000 हो गई थी। फिर मैं दूसरी मेरी जर्नी बदल गई कि मैं कुछ अलग तरीके से करना चाहता था। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे जैसे मैं जिस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ, मेरी सैलरी की रेंज वैसे वैसे बढ़ती चली गई। यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप जहां पर भी हो यहां से अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट कर दो। शायद ये बात को कुछ लोग महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे ये वर्क करता है, बट जिसने थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकली एज्यूम किया होगा कि हाँ यार मैं इनके साथ आया तो फिर मैंने ये सीखा, इनके साथ आया, मीन्स लोगों से मिलना स्टार्ट कर दो। कल कुछ बच्चे मैं MIT कॉलेज में गया तो वहाँ पर मेरे से कुछ बच्चे मिल रहे थे, तो उनको भी मैंने यही सजेस्ट किया। इवन क्या बोलते हैं, उनको समझ में भी आया कि हाँ सर ऐसा तो मेरे साथ हो रहा है। तो ये मैं डेफिनेटली बता दूँ कि आप अगर अच्छे लोगों के साथ मिल सकते हैं, जैसे कि मैं ऐसा कोई भी संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो नहीं होगा जो मैं न वॉच करूँ। क्यों? क्योंकि संदीप माहेश्वरी सर की संगत पाना एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। मैं विवेक बिंद्रा सर की एक भी वीडियो को मिस नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया का एडिक्टेड हूं, बट क्या होता है कि जब हम ऐसे लोगों को वॉच करते हैं तो उनकी जो माइंडसेट है वो हमारे अंदर आने लगता है, ठीक है। और मैं आप जितने भी अच्छे हैं, मतलब कि ये तो मेरे, क्योंकि ये मेरे फेवरेट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि वैल्यू ऐड करते हैं, बहुत ढेर सारे हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता सबके, बट उनको वॉच जरूर करता हूँ। देखा उनका वीडियो तो एक हर्षवर्धन जैन सर है, इतना बढ़िया वो समझाते हैं, इतने अच्छे सजेस्ट करते हैं। मीन्स अभी हम उनसे डायरेक्ट तो फिजिकली तो हमारा उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो डेफिनेटली उस लेवल पे है कि दिन भर उनको काम करना है, और मैं भी इस लेवल पे हूँ कि मेरे पास भी वक्त नहीं है उनसे डायरेक्टली ट्रीट करने का। लेकिन अगर उनकी मुझे स्किल्स मिल रही हैं, अगर उनके माइंडसेट हमको मिल रहे हैं 10-5 मिनट स्पेंड करने से, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप कनेक्टिविटी में आना चाहते हो, जैसे अभी मैंने मेरा जो पर्सनल चैनल है, मैं उसी उस पर इसी बारे में बात करता हूँ। इस चैनल पर तो आज मेरा मन किया कि मैं शायद कुछ जो मेरे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, इसलिए मैं आपको बूस्ट करने के लिए चैनल पर सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अपने आसपास के लोगों का रेंज बढ़ाओ। देखो कि जो 35 पा रहा है अगर तुम 20 पे हो तो क्यों 35 पा रहा है, तुम देखो कि वो 30 क्यों पा रहा है, तुम देखो कि मींस हाईएस्ट पोजीशंस को देखने की कोशिश करो। वैसे तो मैं कहूंगा कि डायरेक्ट देखो कि उस कंपनी के डायरेक्टर कितना पा रहा है, ठीक है, और फिर देखो कि वो कर क्या रहा है, वो स्किल्स क्या मेरे अंदर है क्या। मीन्स ऐड जितना करोगे उतनी तुम्हारी वैल्यू ऐड होगी। होप आपको समझ में आया होगा, होप मैंने बोर नहीं किया होगा, क्योंकि आज के टाइम में जब कभी किसी को सही चीज़ बताओ तो कुछ लोगों को बोर लगने लगता है कि यार ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। बट ये जब लॉन्ग टर्म में जब आप इस चीज़ को अचीव करने लगते हो तब लगता है यार उस इंसान ने मेरी लाइफ बदली थी, क्योंकि मेरी लाइफ बदली थी SK दुग्गल सर ने जब मैंने उनको देखा कि वो एक टीचर है, एक कंसल्टेंसी में
एस के दुग्गल सर को आप सब जानते हो, स्टील की बुक लिखते हैं। मीन्स इतना कुछ अर्निंग उनकी है कि मैं क्या बताऊँ आपको, चलिए उसके बारे में कभी सेपरेट वीडियो बताऊँगा। बट वो बहुत ही टैलेंटेड गाय है। तो ऐसे लोगों की जब संगत मुझे थोड़ी सी भी मिली तो मुझे लगा कि हाँ यार कुछ हम भी कर सकते हैं ऐसा, और फिर बहुत लाइफ में चेंजिंग्स आई। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की वीडियोस में आपको सजेस्ट करो, इस तरीके की वीडियोस बनाओ, तो जो मेरा पर्सनल चैनल है आकाश पांडे, उसको जाके आप फॉलो कर लेना। आपकी मर्जी है, क्योंकि डेफिनेटली आप यहां तक आ रहे हो, मतलब आप हो कि मुझे कुछ करना है, तो आप जाके उसको फॉलो कर लेना। उस पर कमेंट करना कि यार सर इस तरीके की स्टोरी शेयर करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हमें पता चले करना क्या है। और लास्ट में फिर से बोलूंगा, अगर अभी आप लोग सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल के लिए कॉन्टैक्ट नहीं किया है तो डायरेक्ट कॉल कर लेना, अगर मैं भूल गया था। चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।